आज हम एक नया मेथड स्टार्ट करेंगे, आरटी रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। ठीक है, अगर हम बात करें ये भी क्या है, एनडीटी का मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, सरफेस, सब सरफेस एंड वॉल्यूमेट्री। ठीक है, तो जब हम आरटी करते हैं, हमारा कोई भी मटेरियल है तो चाहे डिफेक्ट जो है वो सरफेस पे रहे, चाहे सब सरफेस पे रहे, चाहे वॉल्यूम में हो, हम तीनों ही डिफेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहता है वो किस पे रहता है, वॉल्यूम पे, कि हम जो इंटरनल जो डिफेक्ट आ रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, आरटी करते हैं, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग करते हैं। आरटी से ही समझ में आता होगा कि रेडियोग्राफिक टेस्टिंग है, यानी कि रेडियोग्राफी करेंगे, तो इसका मतलब इसमें हम क्या करेंगे, रेडिएशन का यूज करेंगे। हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास में मटेरियल होता है और उस पर हम रेडिएशन छोड़ते हैं, उसके पीछे हम फिल्म लगाते हैं, उस पर जाके हमारी क्या बनती है, एक इमेज बनती है, जिसको हम फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन करने के बाद हमें समझ आता है कि कहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है, कहाँ पर डिफेक्ट है। ठीक है, अगर हम आरटी की बात करें, इसमें तीन चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे। एक हमारे पास में क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए। ठीक है, जिसको फुल नेम की बात करें क्या रहता है, रेडियो ग्राफिक सोर्स। ठीक है, हमारे पास में एक सोर्स होना चाहिए अगर हमें रेडियोग्राफी करनी है, और हमारे पास में क्या होना चाहिए, स्पेसिमेन होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिमेन होना चाहिए। तीसरी चीज हमारे पास में रेडियोग्राफिक फिल्म होनी चाहिए। बेसिक तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हमारा जो रेडिएशन है वो इस पे जाके पड़ेगा, हमारे स्पेसिमेन पे, जो भी हमारा जॉब है, वर्क पीस है, इस पे जाके हमारी रेडिएशन पड़ेगी। और ये जो सोर्स है, इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है बहुत हाई होती है, तो ये उसको क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, यानी कि पार करते हैं, और जाके हमारी फिल्म पे रेडिएशन पड़ती है, जिससे क्या होता है कि हमें एक इमेज मिलती है, उस इमेज की हम रीड करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, और हम समझ लेते हैं कि कहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है, कहाँ पर डिफेक्ट है। ठीक है, जैसे हमने बात की, इसमें क्या है, सरफेस, चाहे डिफेक्ट सरफेस पे हो, चाहे डिफेक्ट सब सरफेस पे हो, चाहे वॉल्यूम में हो, तीनों ही जगह के डिफेक्ट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन फोकस जो रहता है वो क्या रहता है, इंटरनल डिफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। जो भी मटेरियल है उसके इंटरनली जो भी डिफेक्ट आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आरटी करते हैं। ठीक है, आरटी बेसिकली क्या होता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी होती है। क्लाइंट बोलता है कि मुझे आरटी कराना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हम आरटी करते हैं, या फिर जहां पर हम यूटी नहीं कर पाते हैं, कोई ऐसा सरफेस है कि कोई रफ सरफेस है इस तरीके से कि हम उस पर प्रोब नहीं चला सकते, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, आरटी करते हैं। ठीक है, क्योंकि यूटी करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्मूथ सरफेस चाहिए, जो प्रोब है मूव हो सके, लेकिन हमारा जो सरफेस है रफ रहता है, तो उस केस में हम क्या कर लेते हैं, आरटी कर लेते हैं। ठीक है, जो हम रेडियोग्राफिक सोर्स की बात कर रहे हैं कि रेडियोग्राफिक सोर्स वो हमारे आरटी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, दो तरह से यूज किए जाते हैं। एक होता है हमारा एक्सरे, एक होता है हमारा गामा रे। इन दो सोर्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। अगर हमें एक्सरे करना है, ठीक है, तो हमारे पास में जो सोर्स रहेगा वो एक्सरे रहेंगी, और वो इस मटेरियल में पड़ेंगी और क्या बनाएंगी, इमेज को फॉर्म करेंगी। दूसरा, अगर गामा रेज है तो हम क्या करेंगे, गामा रेज हमारे पास में एक आइसोटोप कैमरा होता है, उसके अंदर हमारा एलिमेंट रखा होता है, और गाइड ट्यूब के थ्रू हमारा क्या होता है, सोर्स निकलता है, जो हमारा इस पे पड़ेगा, यानी इसको पेनिट्रेट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, इमेज को फॉर्म करेगा। ठीक है, अगर हम एक्सरेज और गामा रेज की बात करें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले डिफरेंस की अगर बात करें, इन दोनों का ओरिजिन क्या है, अलग है, यानी कि जो ये जो जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, वो अलग तरह से होती है। जैसे अगर हम एक्सरेज की बात करें, तो ये हमारी एक पावर सोर्स से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। हम क्या देते हैं, हाई वोल्टेज देते हैं, जिससे क्या होती है, हमारी एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगर हम गामा रेज की बात करें, तो गामा रेज है ये हमें मिलती है
रेडियो एक्टिव आइसोटोप से, ठीक है, ये हमारा एलिमेंट से हमें मिलता है। क्या होता है वो एलिमेंट डिके होता रहता है और उससे क्या निकलती है, रेज निकलती है। अगर बात करें गामा रेज की तो अल्फा बीटा गामा निकलती है। अल्फा बीटा का हम इसलिए यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन जो पावर है वो बहुत कम होती है, और गामा रेज की जो पेनिट्रेशन पावर है बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से हम रेडियोग्राफी में इसका हम यूज करते हैं। तो हमारे पास में दो सोर्स है, एक एक्स रेज है और एक गामा रेज है, ठीक है। अगर हम इन दोनों में एक और डिफरेंस की बात अगर समझे तो एक्स रेज की क्या होती है, सेंसिटिविटी हाई होती है इसके कंपैरिजन में गामा रेज के, ठीक है। इसकी जो सेंसिटिविटी है एक्स रेज की वो ज्यादा होती है, इसकी इससे कम होती है, ठीक है। अगर सेंसिटिविटी का मतलब अगर समझे, जैसे हमारे पास में क्या है कि 100 mm का कोई भी ब्लॉक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर 1 mm तक का कोई डिफेक्ट आ रहा है या डिसकंटिन्यूटी आ रही है 1 mm की, तो क्या होता है कि एक्सरे उसको डिटेक्ट कर देता है, लेकिन गामा रेज जो है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। गामा रेज अगर 100 mm का कोई भी मटेरियल है उसमें 2 mm की अगर डिसकंटिन्यूटी या डिफेक्ट आ रहा है तो गामा रेज उसको सेंस कर लेता है। तो इसकी सेंसिटिविटी में समझ में आता होगा कि एक्स रेज की जो सेंसिटिविटी है वो हाई होती है एज कंपेयर टू द गामा रेज, ठीक है। एक और अगर डिफरेंस समझे तो क्या होता है, जो एक्स रेज होती है वो हमारी हाई कॉस्ट की रहती है और जो हमारी गामा रेज है इसके कंपेयर में इसकी जो कॉस्ट रहती है वो कम रहती है, ठीक है। ये इतनी बात भी क्लियर हुई होगी। और अगर हम डेंजरस तो दोनों है, लेकिन अगर लेस हैजार्डस और मोर हैजार्डस की बात करें तो क्या होता है, जो एक्स रेज है वो लेस हैजार्डस होती है क्योंकि ये क्या होता है कि सॉफ्ट होती है, ठीक है, ये सॉफ्ट होती है, लेकिन गामा रेज मोर हैजार्डस होती है। क्यों? क्योंकि ये जो रेज होती है हार्ड होती है, ठीक है। तो ये भी समझ में आया होगा कि एक्स रेज और गामा रेज में डिफरेंस क्या है। जो मेन डिफरेंस है वो ओरिजिन का है और बाकी भी जो डिफरेंसेस है वो भी क्या है, डिफरेंसेस ही है, ठीक है। हमने सोर्स समझ लिया कि हम दो तरह के सोर्स आरटी के अंदर यूज करते हैं, एक एक्स रेज और एक गामा रेज, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई होगी। अगर आरटी के प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल हमारा होता है पेनिट्रेशन एंड डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। क्या? पेनिट्रेशन एंड डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। देखिए पेनिट्रेशन का क्या मतलब है कि हमारा जो मटेरियल है हमारी जो रेज है उसको पेनिट्रेट करना चाहिए। अगर पेनिट्रेशन नहीं होगा तो फिर हमें इमेज कैसे मिलेगी, ठीक है। तो एक्स रेज और गामा रेज की जो पेनिट्रेशन पावर है बहुत हाई होती है, तो इस वजह से हमारा मटेरियल जो है वो उस मटेरियल को पेनिट्रेट करती ही करती है, ठीक है। तो पेनिट्रेशन यानी कि जो मटेरियल है हमारी रेज है उसको पार करेंगी, ये पहली चीज होगी पेनिट्रेशन। अगर हम डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन की बात करें, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि हमारा अगर कोई भी मटेरियल है तो उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग एब्जॉर्प्शन होगा। क्यों? क्योंकि वो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर कोई मटेरियल है उसमें कोई भी डिफेक्ट आ रहा है तो डिफेक्ट जहाँ आ रहा है तो इसका मतलब वहां पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो उस जगह पे क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन कुछ अलग तरह से होगा, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, ये हमारा मटेरियल है, ठीक है, यहाँ हमारा सोर्स रखा हुआ है और यहाँ पर हमारी क्या है, ये फिल्म है, ठीक है। यहाँ पर कोई बिलो होल आ रहा है, जब बिलो होल आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर डेंसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और जहां पर बिलो होल होता है तो इसका मतलब वहां पे एयर है। जब एयर है वहां पे तो इसका क्या मतलब है कि एयर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। जो हमारा जो मटेरियल है सारी जगह हमारी डेंसिटी क्या है, सेम है, सेम है, सेम है। अगर देखें जहां पर बिलो होल है तो यहां पर डेंसिटी क्या है, चेंज है। जब हमारी ये रेडिएशन इस मटेरियल में हमारे पड़ेंगी कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पड़ेंगी, ये हमारी फिल्म लगी हुई है, इसको हम फिल्म को कुछ इस तरह से देख लेते हैं कि ये हमारी फिल्म है, तो हम देखेंगे कि यहाँ से जो रेडिएशन पास हुई है तो हमारी इमेज पे क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से स्पॉट आ रहा है, तो हम समझ लेंगे कि वहां पर क्या है, डिफेक्ट है या डिसकंटिन्यूटी है।
क्या होगा, जहां पर एयर है तो उस जगह से क्या होता है कि हमारी रेडिएशन ज्यादा पास हो जाती है। एक चीज थोड़ी सी ये भी समझेंगे, क्या होता है अगर डेंसिटी डेंसिटी अगर ज्यादा है तो एक्सपोजर क्या होता है, कम होता है। डेंसिटी अगर ज्यादा है तो एक्सपोजर क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से जो इमेज बनती है हमारी उसमें वाइटनेस आती है। क्या है वाइटनेस? दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर डेंसिटी क्या है, कम है, तो एक्सपोजर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हमारी जो इमेज आती है वो डार्क आती है, यानी कि क्या होगी, डार्क। ठीक है, डेंसिटी जब ज्यादा होगी तो हमारी जो रेडिएशन है तो वो मटेरियल एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, जब ज्यादा करेगा तो एक्सपोजर क्या होगा, कम होगा। एक्सपोजर का मतलब यहां से रेडिएशन कम पास होंगी। ठीक है, तो जब कम पास होंगी तो क्या होगा, वाइटनेस आती है। ठीक है, अगर सेकंड पॉइंट को देखें कि डेंसिटी अगर कम है, जब डेंसिटी कम है तो एक्सपोजर ज्यादा होगा। ठीक है, एक्सपोजर ज्यादा होगा, जब ज्यादा होगा तो क्या आता है, डार्कनेस आती है। ठीक है, अगर यहां से समझें तो क्या होता है कि ये हमारा सोर्स है, इससे हमारी रेडिएशन जा रही है, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है सारी जगह पे, यहाँ बिलो होल है तो वहां पे एयर है तो डेंसिटी कम है, तो यहाँ से रेडिएशन ज्यादा पास कर जाएंगी। इस वजह से जब डेंसिटी कम है तो एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है तो हमारी इमेज कुछ इस तरह से में दिखाई देगी और हम समझ लेंगे कि डिसकंटिन्यूटी है या फिर डिफेक्ट है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ डेली लाइफ से, क्या होता है कि जब हम मेडिकल फील्ड में जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर चेस्ट का एक्सरे कराएंगे तो क्या होता है कि सोर्स हमें इस तरीके से, हम खड़े होते हैं, स्पेसिमेन हम हो गए, बाकी हमारे क्या होता है, फिल्म लग गई। हमारा क्या होता है, एक तरीके से रेडियोग्राफ करने के बाद जब हमें एक्सरे मिलता है तो हम उसमें क्या देखते हैं कि जो हमारी बोन्स है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, वो कैसी दिखाई देती है, वाइटनेस होती है, और बाकी जो बोन्स के अलावा जो भी हमारा पार्ट है वो डार्क दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, वो भी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। क्या होता है, जो बोन्स की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी मसल्स। ठीक है, तो बोन्स की डेंसिटी ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन उसमें ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब कर ले रही है हमारी बोन्स और हमें पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, वाइटनेस दिखाई दे रही है। बाकी जो मसल्स हैं उनकी डेंसिटी उसके कंपेरिजन में कम होती है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारी जो रेडिएशन है वो ज्यादा पास हो जा रही है, जब ज्यादा पास हो जाएंगी तो डार्कनेस आती है। अब फॉर एग्जांपल क्या है कि हमारे कोई क्रैक आ गया, ठीक है, क्रैक का मतलब इन मैकेनिकल फील्ड क्रैक, बाकी इन मेडिकल फील्ड हम बोलेंगे कि फ्रैक्चर हो गया। तो होता क्या है, जब जहां पर फ्रैक्चर होगा तो वहां पे एक क्रैक जैसा दिखाई देगा। क्रैक जैसा दिखाई देने का मतलब क्या है कि जो हमारी बोन्स है इसका मतलब वहां पे एक गैप आ गया, गैप आ गया तो वहां पे मसल्स सिर्फ है या फिर एयर है। ठीक है, मसल्स है या फिर एयर है, ये मतलब हुआ। तो उस जगह से हमारी क्या होगी, रेडिएशन ज्यादा पास हो जाएंगी, जिसको हम बोलेंगे एक्सपोजर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हमें पता है कि वहां पर क्या बनेगा, डार्कनेस। जैसे ये हमारी इस तरह से बोन्स रहती है, ये हमारी वाइटनेस सारी, ये इस तरीके की हमारी बोन्स है। ठीक है, हमें पता है ये हम जब एक्सरे में देखते हैं तो हमारी ये व्हाइट कलर की रहती है। तो क्या होगा, जहां पर क्रैक होगा या फ्रैक्चर होगा, ठीक है, जब फ्रैक्चर होगा तो वहां से रेडिएशन ज्यादा पास हो जाएंगी, और वहां पे जब रेडिएशन ज्यादा पास हो रही है तो हमें पता है जहां से मोर एक्सपोजर होगा वहां पे क्या आएगी, डार्कनेस आएगी। यानी कि जहां पर डार्कनेस होगी वो कुछ इस तरह से हमें एक लाइन दिखाई देगी डार्क सी, और हम समझ लेते हैं कि यहां पर क्या है, फ्रैक्चर है। कुछ इसी तरह हमारे मैकेनिकल फील्ड में भी सिमिलर वही चीज है, जहां पर क्या होगा कि डेंसिटी चेंज हो रही है तो वहां पर हमें कुछ, अगर डेंसिटी कम है तो मोर एक्सपोजर होगा तो डार्कनेस आएगी, और डेंसिटी अगर ज्यादा हो रही है जहां पर डिफेक्ट है, जैसे स्लैग इंक्लूजन और कोई डिफेक्ट आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी तो हमारा क्या होगा कि वाइटनेस आएगी, उतना स्पॉट बन के आएगा, हम समझ लेंगे कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है या फिर डिफेक्ट है। आई थिंक प्रिंसिपल भी समझ में आया होगा कि पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि मटेरियल को पार करना, रेडिएशन क्या करे, मटेरियल को पार करे। दूसरी चीज डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन का मतलब
हमारा जो मटेरियल है उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या होंगी, रेत एब्जॉर्ब। ठीक है, हम बात करते हैं इमेज डिस्टॉर्शन। देखिए इमेज डिस्टॉर्शन का क्या मतलब होता है, जब हमारा जो मटेरियल है अगर वो अपनी साइज से, जो एक्चुअल उसका जो साइज है और उससे बड़ा दिखाई दे तो हम, या छोटा दिखाई दे तो हम उसको बोलते हैं कि इमेज में क्या आ रहा है, डिस्टॉर्शन आ रहा है। ठीक है, वो होता है हमारा इमेज डिस्टॉर्शन। जैसे आपने देखा भी होगा, फॉर एग्जांपल जैसे हम सनलाइट के जब बिल्कुल 90 डिग्री पे रहते हैं तब हमारा जो साइज है वो एक्चुअल में वही आता है, लेकिन जब क्या होता है कि किसी एंगल से अगर हमारी जो सनलाइट पड़ती है तो हमारी जो परछाई बनती है तो उसमें क्या होता है कि कभी लंबी बनती है कभी मोटी सी बनती है, तो यही क्या है, इमेज डिस्टॉर्शन है। तो ऐसे ही हमारा जो मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो सोर्स है बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा होना चाहिए। उस केस में क्या होता है कि हमारा जो मटेरियल का साइज है, जो भी हमारी ज्योमेट्री आएगी तो वो एक्चुअल में जो होगी वही आएगी। अगर हम उस सोर्स को 90 डिग्री पर नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि हमें क्या आएगा, इमेज डिस्टॉर्शन आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें बदलाव होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा इमेज डिस्टॉर्शन। यहाँ पे समझ ही लेंगे, यहाँ पे हमारा सोर्स रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा, ये मटेरियल। जब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो उस केस में क्या होगा, जो हमें यहाँ पर इमेज मिलेगी, ठीक है, जो हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, एक इमेज मिल रही है, तो वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी। ठीक है, अगर इसी सोर्स को हम क्या करें, ये जो हमारा स्पेसिमेन है और हमने सोर्स को क्या किया, यहाँ रख दिया, तो उस केस में ये जो हमारी रेडिएशन है कुछ इस तरह से पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से पढ़ने के बाद में कुछ हमारी इमेज जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये जो है ये हमारी फिल्म है, इसको कुछ और नहीं समझना है, ये फिल्म है और ये हमारी क्या बन रही है, जाके इमेज बन रही है। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखिए कि ये जो साइज है वो इतना है और जब हमने किसी एंगल पे हमने सोर्स को रख दिया तो क्या होगा कि जो हमारा मटेरियल है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, यही हमारा क्या कहलाता है, इमेज डिस्टॉर्शन कहलाता है। तो हमें याद रखना है जो हमारा सोर्स है वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी हमें एक्चुअल जो है, जो भी हमारी इमेज है वो एक्चुअल मिलेगी। ठीक है, तो इमेज डिस्टॉर्शन भी समझ में आया होगा क्या मतलब है, हमें परपेंडिकुलर ही हमेशा रखना है सोर्स को। ठीक है, तो ये होता है हमारा इमेज डिस्टॉर्शन। अगर हम आरटी की बात करें तो आरटी में अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि सरफेस, सब सरफेस और वॉल्यूम के डिफेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या होता है ये भी समझ लिए हैं, एक्सरे और गामा रेज क्या मतलब होता है ये भी, बाकी हम जो डिस्कस करेंगे कि इसके बाद में ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ों के साथ में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।